हाय फ्रेंड्स वेलकम टू शुकोशल आज के वीडियो के अंदर हम आपके लिए कुछ एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस लेके आए हैं पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड जो कि है फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हमारी फर्स्ट यूनिट ही है फाइनेंशियल अकाउंटिंग उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमने इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं और जो भी आपके यूनिट्स हैं मतलब जिसके अंदर जो मेन मेन टॉपिक्स हैं उनसे हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए एम के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं वो लेके आएँ तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस क्लास को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया कि इनको ताकि हमें मोटिवेशन मिले मतलब ज़्यादा बच्चे देखते हैं तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है ज़्यादा लाइक्स होते हैं तो कि भाई हाँ हम वीडियोज़ बनानी चाहिए हम भी हमारे टाइम शेड्यूल में से टाइम निकालते हैं तो प्लीज़ आप इनको शेयर जरूर किया करें क्लास को तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्लास को सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपको अब आप हिंदी में भी लिखा हुआ मिलेगा इंग्लिश में भी लिखा हुआ मिलेगा बस आ, आ, हम जो मतलब एक्सप्लेनेशन है वो तो हिंदी में होगी बस बट जो रीड है वो इंग्लिश में करेंगे ठीक है देखो वट वट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है हमारा जो सब्जेक्ट उसका मेन प्राइमरी पर्पज क्या है यानी कि क्या करते हैं हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू कंट्रोल एंड मैनेज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन फॉर इंटरनल डिसीजन मेकिंग यानी कि बिजनेस के अंदर जो मैनेजर्स डिसीजन लेते हैं इंटरनल जो डिसीजन मेकिंग है उसके लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है नेक्स्ट टू रिपोर्ट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू एक्सटर्नल पार्टीज कि जो एक्सटर्नल पार्टी हैं जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के एक्सटर्नल यूजर्स हैं जो बिजनेस के स्टेक होल्डर्स भी हो सकते हैं उनको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में रिपोर्ट करता है या फिर फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो कम्युनिकेशन है संदेश वाहन है जो इंफॉर्मेशन है उसको फैसिलिटेट करता है तो अब इसमें से हमसे पूछा गया है क्या मेन प्राइमरी पर्पज है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का तो देखो जो हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं इस अकाउंटिंग के अंदर अलग अलग तीन ब्रांच होती हैं एक कॉस्ट अकाउंटिंग एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो इसके अंदर ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है इसका काम है जो भी बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन है उसके बारे में रिपोर्ट करना और वो रिपोर्ट मेनली कौन यूज करता है वो मेनली यूज करती हैं एक्सटर्नल पार्टीज ठीक है जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं जो बिजनेस के साथ रिलेटेड हैं हैं जो बिजनेस के स्टेक होल्डर्स एक्सटर्नल वो यूज़ करते इस इंफॉर्मेशन को मेनली जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट करते हैं तो मेन पर्पज जो है प्राइमरी पर्पज जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या है टू रिपोर्ट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू एक्सटर्नल पार्टीज बाकी बात करें जो अपनी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है इसका काम है कि जो इंटर सॉरी uh, जो इंटरनल डिसीजन मेकिंग है यानी कि जो मैनेजर्स को इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड चाहिए अकाउंटिंग की वो प्रोवाइड करना तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग उससे रिलेटेड है जबकि बात करें फाइनेंशियल की तो ये किससे रिलेटेड है ये एक्सटर्नल पार्टीज को एक बिज़नेस की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में रिपोर्ट करती है उसके बारे में इन्फॉर्म करती है तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट पे मूव करते हैं विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट कंपनीज रिवेन्यूज एंड ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड अब देखो यहां पर बोला गया है स्पेसिफिक पीरियड के लिए क्या शो करें कंपनी के रेवेन्यूज और को तो देखो यानी कि इनकम और एक्सपेंसिजन कौन से स्टेटमेंट में शो होती है इनकम स्टेटमेंट में अब इनकम स्टेटमेंट के अंदर भी दो स्टेटमेंट आते हैं एक तो आते मतलब दो अकाउंट आते हैं एक तो आता है ट्रेडिंग अकाउंट और एक आता है पी एंड एल अकाउंट इनके अंदर हम क्या शो करते हैं इनके अंदर हम शो करते हैं कि बिजनेस में अर्निंग्स रिवेन्यू कितना हुआ सेल्स के थ्रू और जो जनेस है उसने एक्सपेंसिज खर्चे कितने किए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सारे एक्सपेंसिज ट्रीट करके चलते हैं तो एक्सपेंसिज और रिवेन्यू के बारे में रिपोर्ट करता है इनकम स्टेटमेंट और ये आ, किस पीरियड के लिए बनाया जाता है एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनाया जाता है ना कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बैलेंस शीट हम एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बनाते हैं और इनकम स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाया जाता है इनके समय अवधि के दौरान जो क्या क्या खर्चे या इनकम हमारी हुई उसको रिप्रेजेंट करता है उसको प्रेजेंट करता है नेक्स्ट है हाउ आर द करंट लाइबिलिटीज़ टिपिकली प्रेजेंटेड ऑन द बैलेंस शीट यानी कि जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं उस बैलेंस शीट में जो एसेट्स और लाइबिलिटी शो कर रहे हैं उसको किस ऑर्डर में शो किया जाता है अल्फाबेटिकल में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड या साइज के हिसाब से कि भाई सबसे बड़ी फिर उससे छोटी या फिर मैच्योरिटी डेट के हिसाब से या फिर रैंडमली तो देखो जो हमारी बैलेंस शीट है उसके अंदर हम शो करते हैं एक तरीके से करंट और नॉन करंट के बेसिस पे अब ये करंट और नॉन करंट कैसे काम करता है ये काम करता है मैच्योरिटी डेट के हिसाब से जैसे कि जो लाइबलिटीज हमारी जिनको बहुत जल्दी भुगतान करना है वो करंट लाइबिलिटी आ जाएंगी जिनकी मैच्योरिटी डेट लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए है उन वो नॉन करंट एसेट्स नॉन करंट लाइबिलिटीज में आ जाएंगी सेम इसी तरीके से एसेट्स में करंट एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स का क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम जो बैलेंस शीट है उसके अंदर कैसे प्रेजेंट करते हैं हमारी यहां पर सिर्फ लाइबलिटीज पूछा है तो लाइबिलिटीज को हम मैच्योरिटी डेट के हिसाब से प्रेजेंट करते हैं ऑप्शन नंबर सी

अकाउंटिंग प्रिंसिपल रिक्वायर डेट एक्सपेंसिज भी रिकोगनाइज इन अ पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड कि कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो ये रिकोगनाइज करता है कि जो मतलब जो खर्चे हैं जो एक्सपेंसिज हैं उसको रिकोगनाइज करता है इन विच पीरियड दे आर इंकर्ड कि जिस पीरियड के अंदर वो इनकर हुए हैं जिस पीरियड के अंदर हमने वो एक्सपेंसिस की है उसी समय पर जब उस खर्चे को पहचानते हैं तो वो किस आ, पर्टिकुलर प्रिंसिपल के अंदर आता है हम अकाउंटिंग में अगर अलग तरह के प्रिंसिपल पढ़ते हैं जैसे कि मैचिंग प्रिंसिपल है रेवेन्यू रिकोगोग्नीसन है हिस्टोरिकल कंसेप्ट है मेटरलिटी कंसेप्ट है तो अब देखो जो जब हम जो रिवेन्यू एक्सपेंसिव हैं उनको रिकोगनाइज़ज़ करते हैं एक तरीके से लिंक करके कि जिस खर्च टाइम पीरियड पर वो हुए हैं तो वो जो प्रिंसिपल है वो होता है मैचिंग प्रिंसिपल मैचिंग प्रिंसिपल में हम मैच करके चलते हैं कि ये पर्टिकुलर खर्चा इस टाइम पर्टिकुलर टाइम पीरियड से रिलेटेड है तो वो उसी टाइम पीरियड के अंदर अंदरगनाइज करेंगे उसको पहचानेंगे कि भाई इस खर्चे से हमें इनकम किस टाइम पीरियड में हुई तो वहाँ पर जब हम इनकम को और एक्सपेंसिज को जिस टाइम पीरियड से रिलेटेड है वो उस टाइम पीरियड के हिसाब से उनको एक तरीके से हम उनको मेजर करते हैं या उनके उनको पहचानते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाने के लिए तो वो जो पर्टिकुलर प्रिंसिपल है वो होता है मैचिंग प्रिंसिपल ठीक है ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज द चेंजेज इन इक्विटी ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड अब देखो जो हमारी इक्विटी है उसके अंदर एक चेंज जो है कितना भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर हुआ वो कौन से स्टेटमेंट में दिखाया जाता है बैलेंस शीट में इनकम स्टेटमेंट में कैश फ्लो में या फिर रिटेंड अर्निंग्स स्टेटमेंट ऑफ रिटेनड अर्निंग्स अब देखो बैलेंस शीट है बैलेंस शीट के अंदर हम क्या दिखाते हैं एसेट दिखाते हैं लाइब्रिटी दिखाते हैं और कैपिटल दिखाते हैं इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसिस और हमारी जो इनकम्स हैं पर्टिकुलर पीरियड से रिलेटेड वो दिखाएंगे फिर उसके बाद जो स्टेटमेंट ऑफ चेंज जो कैश फ्लो है कैश फ्लो के अंदर हम क्या दिखाते हैं कि कितना कैश का इनफ्लो हुआ कितना आउटफ्लो हुआ अब देखो यहां पर एक चीज़ का ध्यान रखने यहां पर हमें बोला गया है स्पेसिफिक पीरियड के दौरान कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान जो हमारी इक्विटी है उसके अंदर जो चेंज हुआ तो वो दिखाते हैं हम रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग के अंदर क्योंकि जो बैलेंस शीट है बैलेंस शीट एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए नहीं बनाई जाती एक एक पॉइंट ऑफ टाइम पर बनाई जाती है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या चीज़ है तो ये तो इसलिए बैलेंस शीट तो हो नहीं सकती और जो हमारी रिटेन अर्निंग है अंदर हम डिटेल में बताते हैं कि हमारी इक्विटी जो है इक्विटी कैपिटल में पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इतना इतना कितना किस तरीके से चेंजेस हुए हैं वो सारा हम इसके अंदर प्रेजेंट करते हैं ठीक है तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन एग्जांपल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स यहाँ पर सिंपल इंटेंजिबल एसेट पूछा है इन्वेंट्री है लैंड है गुडविल है बिल्डिंग है वेरी इजी क्वेश्चन बता सकते हैं सिंपल गुडविल है देखो जो हमारी एसेट्स होती हैं जो फिक्स्ड एसेट हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं एक टेंजिबल एसेट्स और एक इंटेंजिबल एसेट्स इंटेंजिबल एसेट्स में जैसे गुडविल है पेटेंट्स हैं कॉपी राइट्स हैं ये सारे आ जाती हैं इंटेंजिबल एसेट्स और टेंजिबल एसेट्स में जैसे हमारी लॉन्ग टर्म वाली जो एसेट्स हैं जैसे फर्नीचर है बिल्डिंग है लैंड है ये सारी आती हैं टेंजिबल एसेट्स के अंदर जिनको हम फिजिकली देख सकते हैं और इनटेंजिबल जिनको देख नहीं सकते बट जिनकी एक वैल्यू होती है बिजनेस की परस्पेक्टिव से नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज द नेट इनकम एंड नेट लॉस कैलकुलेटेड इन द इनकम स्टेटमेंट कि जो हमारा इनकम स्टेटमेंट है इनकम स्टेटमेंट यानी कि जो हमारा ट्रेडिंग या पी एंड एल अकाउंट है वो इनकम स्टेटमेंट होते हैं उनके अंदर नेट इनकम या नेट लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं तो सिंपल साइज के अंदर हम क्या लिखते हैं सबसे पहले कितना कितना रिवेन्यू जनरेट हुआ क्रेडिट साइड वो लिखेंगे और डेबिट साइड कितने खर्चे हुए तो यानी कि जो है, जो है है इनकम उसमें से हम हमारे जो खर्चे हैं एक्सपेंसिज हैं वो लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा नेट नेट प्रॉफिट या फिर लॉस तो रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसि राइट आंसर नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जो कैश फ्लो हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो इसका क्या पर्पज होता है क्यों बनाते हैं सबसे पहले रिपोर्ट करने के लिए कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन एक स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम पे या फिर डिटेल प्रोवाइड करने के लिए कंपनी के सोर्सेज की और यूजेज की कैश ड्यूरिंग ए पीरियड अब देखो नाम से ही पता चल रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट है तो कैश कहाँ से बिजनेस में आया है कैश कहाँ पे यूज हुआ है उनके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे तो जो सोर्स हैं और जो यूज हैं कैश के वो प्रेजेंट करते हैं उनके बारे में डिटेल प्रोवाइड करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एज ए स्पेसिफिक डेट एंड शो कंपनी एसेट लाइबिलिटी एंड इक्विटी अब देखो यहाँ पर पूछा गया स्पेसिफिक डेट तो स्पेसिफिक डेट या एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम क्या बनाते हैं हम बनाते हैं बैलेंस शीट और वैसे भी पता चल रहा है एसेट लाइबिलिटी और इक्विटी कहाँ शो होती है बैलेंस शीट में शो होती है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट right आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेन अकाउंट इज इंक्लूडेड इन स्टॉक होल्डर्स इक्विटी जो स्टोक होल्डर्स हैं उनकी इक्विटी के अंदर कौन सा स्टॉक इंक्लूड किया जाता है तो देखो ऑप्शन नंबर वन है कॉमन स्टॉक प्रेफर्ड स्टॉक रिवेन्यू अकाउंट या एक्सपेंसिज तो देखो इक्विटी है इक्विटी के अंदर क्या इंक्लूड किया जाएगा सिर्फ कॉमन इंक्लूड किया जाएगा प्रेफरेंस को तो प्रेफर्ड को तो नहीं इंक्लूड कर सकते हम इक्विटी के अंदर तो ऑप्शन नंबर ए जो है कॉमन स्टॉक इज इंक्लूडेड इन स्टॉक होल्डर्स इक्विटी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट किन में से किस चीज़ को हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करते एसेट्स एट्स लाइबिलिटी इक्विटी एक्सपेंसेस तो देखो एक्सपेंसिव जो इनकम या रिवेन्यू एक्सपेंसेस इनको कहाँ इंक्लूड करते हैं इनकम स्टेटमेंट में या पी एंड एल में या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग में और इनडायरेक्ट है तो अपना जो पी एंड एल अकाउंट है उसके अंदर ठीक है तो अब ऑप्शन नंबर डी जो है वो हो जाएगा हमारा राइट right आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोविंग इज रेगुलरली रेफर्ड टू एज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनमें से किसको हम रेगुलरली मेनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं देखो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों को ही बोलते हैं कैश फ्लो भी इंक्लूड होता है बट ज्यादातर हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड यूज है वो इनकम स्टेटमेंट के लिए यूज करते हैं ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट right आंसर हो जाएगा डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या देर का उसके हिसाब से हमें सेलेक्ट करना होता है अब यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट नहीं होता तो हम बैलेंस शीट पर जाते ठीक है तो आ, लेकिन वैसे अगर मान लो कि ये पूछा होता है कि इनमें से कौन कौन से होते हैं तो ये भी होता है ये भी होता है ये भी होता है तो ये तीनों ही हो जाते हैं बट यहां पर हमें ऑप्शन जिस हिसाब से दिया उसके हिसाब से सेलेक्ट करना है तो इनकम स्टेटमेंट हम सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट डन इन पार्टनरशिप अकाउंटिंग जो पार्टनरशिप अकाउंटिंग है उसके अंदर जो प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे किया जाएगा इक्वली बराबर बराबर या पहले से जो, जो रेशो डिटरमाइन किया गया है या बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर अकॉर्डिंग टू गुडनेस ऑफ पार्टनर्स तो अब देखो अगर पहले से पार्टनरशिप के अंदर एग्रीमेंट हो रखा है तो उसी रेशो से बांटा जाएगा अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो बराबर बांटा जाता है तो अब यहाँ पर तो कुछ बोल नहीं रखा कि बिना पार्टनरशिप डेड के तो जो पहले से डिटरमाइन जो रेशो है उसके हिसाब से जो प्रॉफिट्स है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं पार्टनर्स के बीच में नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 थर्टी टू वहन इज द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ पार्टनर्स रिक्वायर कि जो पार्टनर है उनका आपस में म्यूचुअल कंसेंट कब रिक्वायर्ड होता है टर्मिनेशन पे बिजनेस के या फिर जो पार्टनरशिप फर्म है उसके डिजोल्यूशन पे या कोई नया पार्टनर है उसको एडमिट करने के या फिर ऑल ऑफ द अबो अब देखो अब देखो यहाँ पे सारे ही चीजें ऐसी दे रखी है जिसके अंदर जो पार्टनर है उनका म्यूचुअल कंसेंट होता है तो ऑल ऑफ द अबो हमारा राइट right आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है वहन द गुडविल इज ब्रॉट वहन द गुविल इज ब्रॉड बाय कैश बाय ए न्यू पार्टनर हाउ इट इज रिकॉर्डेड अब देखो पार्टनर नया लेके आया है मतलब जो पार्टनर नया पार्टनर है वो लेके आया है तो गुडविल जो पुराने पार्टनर हैं उनको मिलेगी तो जब पुराने पार्टनर को मिलेगी तो उनके कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाएंगे इनक्रीज होंगे तो क्या करेंगे हम उनको क्रेडिट करेंगे तो क्या हो जाएगी जो क्रेडिट हो जाएंगे जो एक्जिस्टिंग पार्टनर हैं उनके कैपिटल अकाउंट ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट right आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है ट इज द पर्पज ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इन द कंटेस्ट ऑफ पार्टनरशिप डिजोल्यूशन जब पार्टनरशिप फॉर्म का डिजोल्यूशन होता है तब हम एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं इसका क्या पर्पज होता है टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अमोक पार्टनर्स जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने या फिर टू रिकॉर्ड चेंज इन एसेट्स वैल्यू या फिर टू सेटल लाइबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूट रिमेनिंग एसेट या फिर टू क्लोज द पार्टनरशिप बुक्स तो अब देखो जो रियलाइजेशन अकाउंट है उसके अंदर हम कब बनाते हैं जब फर्म बंद हो रही हो तब तो जितनी भी एसेट्स हैं उनको एक तरीके से उनकी वैल्यू देखी जाएगी कितने कितने पैसे हमें रियलाइज हो सकते हैं और उससे जो लाइबिलिटीज़ हैं उसको पे ऑफ किया जाएगा उसको सेटल किया जाएगा तो ऑप्शन नंबर थ्री हमारा राइट right आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ हायर परचेज एग्रीमेंट हु इज हुर द ओनर ऑफ एसेट्स ड्यूरिंग ए हायर पीरियड तो देखो एक हायर परचेज सिस्टम होता है एक इंस्टॉलमेंट पेमेंट होता है तो हायर परचेज एग्रीमेंट के अंदर पूछा गया है कि जो ओनर है एसेट्स का ड्यूरिंग द हायर पीरियड के दौरान कौन ट्रीट किया जाएगा तो अब देखो जब हायर परचेज में जो ओनरशिप है वो कब ट्रांसफर होती है फाइनल पेमेंट पे तो तब तक कौन उसका ओनर होगा तब तक होगा जो सेलर है जो बेचने वाला है वही उसका मालिक होगा तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट right आंसर हो जाएगा ठीक है ये कंसेप्ट क्या होते हैं ये सारे हमने डिटेल में क्लासेज में करवा रखे हैं अगर आपने नहीं देखे तो आप लिंक आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप जाके अटेंड कर सकते हैं उन क्लासेस को हम यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि फिर ये जो वीडियो इसका पर्टिकुलर पर्पज है प्रैक्टिस के लिए ठीक है तो आप वहां से कवर कर सकते हैं उनको नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फाइनेंशियल हायर अंदर एंटर करता है तो देखो जो हम बात कर रहे थे हायर परचेज सिस्टम के अंदर जो ओनरशिप है वो फाइनल पेमेंट पे ट्रांसफर होगी लेकिन फिर भी वो बैलेंस के अंदर जो एसेट्स है उसको शो करता है वो मालिक उसका तब बाद में बनेगा जो फाइनल पेमेंट तक हो जाएगी बट वो उसको एसेट्स को दिखाएगा अपनी तो uh, बैलेंस मतलब, एसेट्स है वो हम कहां शो करते हैं बैलेंस सीट के अंदर तो कौन सा स्टेटमेंट इफेक्ट हुआ बैलेंस सीट ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट right आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंक्लूडेड इन द कंसाइनमेंट इन वॉइस सेंड बाय ए सेलर टू ए कंसाइनी जो देखो कंसाइनमेंट और कंसाइनी क्या होती है जब थर्ड uh, पार्टी के थ्रू हम एक uh, जो गुड्स हैं पर्टिकुलर उनको ट्रांसफर करवाते हैं जैसे कंसाइनमेंट कंसाइनी का ज्यादातर इनमें यूज होता है मान लो हमें ट्रांसपोर्टेशन करवाना है हमारे सामान का तो फिर वो जिन भी पार्टीज जो थर्ड पार्टी है उस थर्ड पार्टी के थ्रू होकर जो गुड्स जाएंगी तो वो वहां पर होते हैं कंसाइनर और कंसाइनी के कंसेप्ट अब यहाँ पर सवाल में पूछा है वट इज इंक्लूडेड इन द कंसाइनमेंट इन की जो कंसाइनमेंट इन है उसके

नेक्स्ट है व्हाट अमाउंट इज पेड टू द कंसाइनर बाय द कंसाइनी अपॉन द सेल ऑफ गुड्स कि जब सामान बेची जाते हैं जो तो सामान मतलब ये जो थर्ड पार्टी के थ्रू कंसाइनमेंट के थ्रू तो जो अमाउंट कंसाइनर पेड करता है पे करता है कंसाइनी को ऑन द सेल ऑफ गुड्स तो ये क्या कहलाते हैं हम इसको क्या बोलते हैं तो अब देखो कंसाइनर कंसाइनी एक तरीके से थर्ड पार्टी के एजेंट का, का काम करते हैं तो एजेंट को हम क्या देते हैं कमीशन तो इनको भी जो अमाउंट पे की जाती है उसको बोलते हैं कमीशन ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट right आंसर हो जाएगा ठीक है तो ये थे कुछ क्वेश्चन अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसको शेयर जरूर करें आगे भी हम जो टॉपिक्स टौ, हैं उन पर वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग